हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन एक्सप्लोरर। और आज मैं लेकर आई हूँ कंपैरिजन इन तीन गुलाब जल का। पहला है जीवा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर, दूसरा है दिव्य गुलाब जल पतंजलि का, और तीसरा है डाबर गुलाबरी। इस वीडियो में मैं तीनों की पैकेजिंग, क्वालिटी और प्राइस के बारे में बताऊँगी कि किसको लेना ज़्यादा प्राइस वर्दी है, कौन रिजनेबल है और कौन महंगा। तो सबसे पहले मैं डाबर गुलाबरी के बारे में आपको बता रही हूँ। ये रोज वाटर है डाबर का और इसका सेप कुछ इस टाइप का है। ये 120 ml कैपेसिटी की है और 45 rupees इसका प्राइस है। और इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, काफ़ी क्यूट सी है, प्यारी दिख रही है। पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इसके पेंदी में ग्रिप ज़्यादा नहीं बनता, तो जब आप इसको खड़ा करके रखोगे तो कभी भी गिरने का डर रहता है। अदरवाइज़ मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ से ये ओपन करने को दिया गया है और होल है, जिससे कि आप कॉटन में आराम से थोड़े बहुत जितना ही यूज़ हो उतना ही निकाल सकते हो। अगर किसी चीज़ में आपको ड्रॉप ड्रॉप करके डालना है तो भी आप इससे गिन के 1, 2, 3, 4 बूंद ऐसे डाल सकते हो। और इसकी स्मेल की बात करें तो बिल्कुल से प्योर जैसी स्मेल है, ऐसा लग रहा है एकदम फ्रेश रोज़ वाटर है, मतलब फ्रेश रोज का स्मेल इसमें है। जब ओपन करो तो क्वालिटी के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और दूसरी है ये गुलाब जल पतंजलि की, दिव्य गुलाब जल के नाम से है ये। इसकी भी कैपेसिटी 120 ml है और प्राइस इसका 38 है। गुलाबरी का प्राइस था 45 120 ml की और इसका 38 है। तो प्राइस से अगर हम कंपेयर करें तो पतंजलि का रोज़ वाटर थोड़ा सा रिजनेबल है, मतलब लेस प्राइस है इसका। और इसके बॉटल में भी ग्रिप गुलाबरी से ज़्यादा है और अंदर की पैकेजिंग इस टाइप की है। इसमें कोई भी होल वगैरह नहीं किया गया है, यहाँ मैंने एक छोटा सा होल खुद से किया था ताकि इस तरह से वो ले सकूँ मैं उसको ड्रॉप ड्रॉप में। अदरवाइज़ आपको अंदर का पूरा निकालना पड़ेगा और बार बार वो आपको या तो पूरा निकालना पड़ेगा या उसमें होल करना पड़ेगा, ऐसा है। तो इसकी ढक्कन की पैकेजिंग मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, अदरवाइज़ ये भी ठीक है। और स्मेल की बात करें तो इसका भी स्मेल काफ़ी अच्छा है। जब आप ओपन करते हो शुरू में तो बिल्कुल से फ्रेश रोज़ का स्मेल आता है। स्मेल के अकॉर्डिंग इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है। अगर गुलाबरी के साथ इसको कंपेयर करें तो दोनों का स्मेल ऑलमोस्ट सेम था, मतलब क्वालिटी दोनों की सेम है, बस प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट है 7 rupees का। और तीसरा है ये जीवा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर, इसकी क्वांटिटी है 100 ml और प्राइस है 40। तो अगर आप कंपेयर करो तीनों का प्राइस तो वो 120 ml का प्राइस था और ये 100 ml का प्राइस है। तो इस तरह से जब हम प्राइस को कंपेयर करते हैं तो ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है, बट इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी पसंद थी क्योंकि इसमें स्प्रे बॉटल दिया गया है और मुझे फेस वॉश के बाद इस तरह से स्प्रे करके टोनिंग करना काफ़ी पसंद है। तो आप भी अगर रोज़ वाटर स्प्रे करके यूज़ करते हो तो ये बॉटल आपके लिए काफ़ी अच्छी है, ये लिया जा सकता है। और इसके ढक्कन में भी अंदर में एक और छोटू सा था यहाँ पे, जो कि इधर उधर मिसप्लेस हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। मैंने 2-3 बार इसमें फिल भी किया था दूसरा रोज़ वाटर और अभी ये अंदर का इधर उधर कहीं गुम गया है। और इसके ऊपर से एक और कवर है, मतलब इसमें ऑल टोटल 2 कवर थे, एक छोटू उसके ऊपर एक बड़ा सा। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और ये इस तरह से स्प्रे होता है यहाँ से प्रेस करने से। तो अगर आपको एज ए स्प्रे बॉटल यूज़ करना है गुलाब जल को तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। वैसे अगर आपको इसको निकाल के लेना है तो फिर पूरा ढक्कन इसका ओपन करना पड़ेगा। और अगर तीनों की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी तीनों की लगभग मुझे सेम लगी। इसका भी जब मैंने ओपन किया था तो बिल्कुल से फ्रेश रोज़ का स्मेल आ रहा था, बिल्कुल फ्रेश अच्छी लग रही थी ये क्वालिटी। इस रोज़ वाटर की भी काफ़ी अच्छी है, तीनों की क्वालिटी लगभग लगभग सेम है। प्राइस थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। अगर सबसे सस्ती गुलाब जल की बात करें तो ये पतंजलि का गुलाब जल है, जो कि गुलाबरी से 7 rupees के लगभग कम है। और जीवा का गुलाब जल, क्योंकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है इसलिए ये प्राइस में महंगी लग रही है और महंगी है भी।
तो सबसे चीपेस्ट गुलाब जल जो है वो पतंजलि का है और सबसे महंगी गुलाब जल है ये जीवा आयुर्वेदा का। और पैकेजिंग मुझे सबसे अच्छी जीवा वाली लगी क्योंकि मुझे स्प्रे करना पसंद है, और उसके बाद मुझे गुलाबरी की लगी क्योंकि इसमें भी आप ड्रॉप ड्रॉप करके निकाल सकते हो। और पतंजलि की पैकेजिंग मीडियम टाइप की है जैसे और बॉटल की होती है, और क्वालिटी लगभग तीनों की सेम है। तो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय भारत।